सिद्धार्थ नगर के वीआईपी विधानसभा क्षेत्र इटवा के नगर पंचायत इटवा कस्बा स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रणेता भारत रत्न लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती मनाई गई। पटेल जी के जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके तहत इटवा कस्बा से उद्यान पार्क तक दौड़ का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में उपस्थित लोगों के समक्ष इटवा विधायक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी ने विस्तार से सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला तथा सरकार की नीतियों को बताया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राम कृपाल चौधरी, कृष्णा मिश्रा, अजय गुप्ता, श्रवण गिरी, राम सूरत चौरसिया, अशोक पाठक, राजेंद्र दुबे, गिरधर बाबा, जयप्रकाश मिंटू मिश्रा, सुरेश प्रजापति, पप्पू कश्यप, प्रदीप कशोधन, धर्मेंद्र मोरिया, प्रदीप यादव आदि लोग उपस्थित रहे थे। आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों, जनपद सिद्धार्थनगर वासियों और अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा के समस्त सम्मानित जनता को सरदार पटेल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज सरदार पटेल जयंती के अवसर पर पूरा देश रन फॉर यूनिटी की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देता है। यह दौड़ सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत सरकार के द्वारा इस देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए प्रयासों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र इटवा में इटवा चौराहे से लेकर बिस्कोहर रोड स्थित पार्क तक बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने, बच्चों ने और यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों ने सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देते हुए रन फॉर यूनिटी की दौड़ लगाई है। मैं आप सभी लोगों को, इस दौड़ में शामिल सभी लोगों को आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व की छाया हमेशा इस देश पर बनी रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हम लोगों को सरदार पटेल के प्रतिरूप में दिखते हैं। आज की दौड़ देश की एकता, अखंडता और देश की मजबूती का संदेश देती है। हमारी एनी न्यूज़ चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावा ना भूलता।